देश के अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में आज नतीजों का दिन है। जो शुरुआती नतीजे हैं उसमें इंडिया गठबंधन मजबूती से बढ़त बनाए हुए है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को? निश्चित तौर से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान बढ़ा है। आप पूरे देश में देख सकते हैं, हर तरफ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में भी अभी कुछ उपचुनाव हुए थे सभासद के लोगों के, हम दोनों तीनों जगह हमारे कैंडिडेट लखीमपुर में भी भदोही में भी लोग जीते। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ आम जनता का रुझान है, क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी और जो आज समस्याएं नीट की है, आज अग्निवीर है, सारी चीज़ों से लोग परेशान है, जूझ रहे हैं, उस पर नहीं ये बात कर रहे। ये केवल पुरानी बातों को कुरेदना और पर लोग कैसे उनको भ्रमित किया जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए, उस पर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मूल समस्या जो है, जो सबसे बड़ी है, महंगाई, बेरोजगारी, आज जो नीट एग्ज़ाम्स जो आज पूरी तरीके से आज बर्बाद हो रहा है देश, अग्निवीर, अभी अग्निवीर के फादर का देख रहे हैं, माँ का बयान, पिताजी का बयान आया जो राहुल जी से मिले हैं, पूरा देश परेशान हो रखा है। चार चार साल सेना की नौकरी कराओगे आप, मेडिकल के टैलेंटेड बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है आपने, सिपाही भर्ती में गुजरात का आदमी, सारे गुजरात के लोगों को लेकर भर दिया, देश इससे परेशान है। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को हर प्रदेश में हार मिलेगी, पूरे देश इनका सफाया होने जा रहा है। वाराणसी से ही सटे जौनपुर के एक स्थानीय विधायक का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए और कहा है कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो हमारी हार हो सकती है, वजह है आत्मचिंतन करने की। क्या लगता है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे बयान आ रहे हैं, इसका वजह क्या? नहीं, इसका सीधे वजह है कि पूरी ताकत के साथ अब ये लोग लगे हैं अपने आप को बचाने में, इसीलिए घुमा घुमा कर ये कभी इमरजेंसी की बात करते हैं, कभी उसकी हत्या की बात करते हैं, संविधान की, ये खुद हत्यारे हैं। हत्या जैसे शब्द कौन इस्तेमाल कर सकता है? वही इस्तेमाल कर सकता है जो हत्यारा होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। रौदने की बात हो सकती है, बर्बाद होने की बात हो सकती है, हत्या का शब्द वही कर सकता है जो हत्यारा होगा। ये लोग हत्यारे लोग जिन्होंने इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया है, पूरी तरीके से ये पूरे देश से जा रहे हैं, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री। अब मैं बता रहा हूँ, हाथरस में मैं गया था, मुख्यमंत्री गए और मैं, हम लोग जब पहुँचे मुख्यमंत्री गए हैं, उसके थोड़ी देर बाद, दो घंटे बाद डिप्टी सीएम भी जा रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका सीधे सीधे ये आम जनता में संदेश जा रहा है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनकी सीएम, डिप्टी सीएम, विधायकों में नहीं पट रही, गृहमंत्री से लेकर दिल्ली के पूरे जो इनके शीर्ष बैठे हैं मोदी जी, वो भी अब उत्तर प्रदेश में योगी से पिंडा छुड़ाना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। संविधान हत्या दिवस मनाने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, इस पर? ये वो मैंने कहा ना कि केवल और केवल हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय और जिसकी जितनी भर्सना की जाए कम है। 50 साल पुरानी आप बात उठा रहे हो, महंगाई का मह नहीं बोल पा रहे हो, बेरोजगारी का मह नहीं बोल पा रहे हो, केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए आपने जो भी आप करोगे, जो भी दर जनता को बेवकूफ़ बनाने, गुमराह करने का बहुत थाली ताली बजवा लिया, बहुत आपने बातों को घुमा लिया, बहुत टार्च जलवा लिया, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब जनता मुद्दों पर वोट कर रही है, मुद्दे उसके क्या हैं, आने वाला बच्चे का भविष्य हमारा क्या होगा, हमारा बच्चे का जो अंधकार में भविष्य कर दिया मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, उस पर आइए, अब जनता उस पर वोट करने जा रही है। और पूरे देश से सभासद से लेकर प्रधानमंत्री तक को चुनाव आगे आने वाले समय जनता हराई। एक अंतिम सवाल, बीडी राम मामले पर सुभाषपा प्रमुख और उनके बेटे का अलग अलग बयान आया है, जबकि ओम प्रकाश राजभर यानी कि उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 में बीडी राम भेजे गए थे, जिन पर पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगा। तो भेजे गए तो उन पर कार्रवाई करिए ना, उनको निकालिए, अगर वो गलत चीज़ों में पाए जाते हैं, उनको तत्काल जो भी भेजा हो, जिस तरफ से भी आया हो, पर अगर गलत करते हुए पकड़ा जा रहा है, उसको आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उसको तत्काल पार्टी से बर्खास्त करिए। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी है, मिली जुली चीज़ें। बहुत शुक्रिया अजय जी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।